रवि भैया, मेरी कुणाल से बात हो गई थी, वो अजय भैया से मिलने आएगा। वैसे तो अजय भैया हम सबसे नाराज हैं, पर उन्हें कुणाल से बात करके अच्छा लगेगा, और हो सकता है कि कुणाल की बातों से वो हमें भी समझ पाए। मेरे तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा तारा, अजय की हालत देखकर मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि उसे डॉक्टर की जरूरत है भी या नहीं। लेकिन फिर भी तारा, मैं अपने छोटे भाई को दर्द के इस भुलैया से निकालने के लिए कोई भी रास्ता अपनाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे इस फैसले से अजय मायूस हो गया। रवि भैया, आप ऐसा मत सोचिए, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। मैं जानती हूं कि आप भी अजय भैया की भलाई चाहते हैं, उनकी परवाह करते हैं, तभी तो आप वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं जिससे अजय भैया की मुस्कान वापस लौट आए। रवि, तारा आ जाओ, खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है बुआ जी। इस तरह खाने को ठुकराने से क्या होगा, क्या हासिल होगा तुम्हें? रवि, इस घर को अब हमें संभालना है, इस घर को संभालने की जिम्मेदारी हमारी है। अगर तुम अपने आप को इस तरह सजा देते रहोगे तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे संभालोगे तुम? देखो रवि, जो कुछ भी हुआ खुद से भूल जाओ। बीती हुई बातों पर अफसोस करने से अच्छा ये है कि हम ये सोचें कि आगे की मुश्किलों का सामना हम कैसे करेंगे। लेकिन यही भूल तो अजय भी कर रहा है बुआ जी, वो अपने अतीत को भुला नहीं पा रहा है, लेकिन हमें उसके आने वाले कल से उसको रूबरू कराना होगा। जीवन में जो भविष्य उसके सामने है, हमें उसे उसका एहसास दिलाना होगा। कौन सा भविष्य, कौन सा कल? रवि भैया, राधा भाभी के जाने के बाद अजय भैया के आने वाले कल का कोई मायने नहीं है। तारा, शायद हम सबने अजय को समझने की कोशिश नहीं की। वो सिर्फ राधा के खोने के दुख से नहीं, बल्कि अपने गुनाह के पछतावे से अपनी जिंदगी गुजार रहा है। माना कि अपनों से बिछड़ने का गम मरते दम तक रहता है, लेकिन वक्त की रफ्तार कभी नहीं रुकती, इसलिए अजय को अपने वक्त के साथ चलना है, उसके खिलाफ नहीं। बुआ, मॉम अजय भैया को क्यों माफ नहीं कर देती है? एक तो वैसे भी अजय भैया को इतने दुखों से गुजरना पड़ रहा है, ऊपर से मॉम, मैं मॉम से बात करूंगी, उन्हें तो पता भी नहीं है कि अजय भैया की यहां पे क्या हालत है। मैं अभी के अभी मॉम से फोन पे बात करूंगी और उन्हें बताऊंगी कि वो अपने ही बेटे को कितना पराया कर चुकी है। कोई फायदा नहीं है तारा, तुम्हें क्या लगता है मैंने भाभी को समझाने की कोशिश नहीं की, रवि ने कोशिश नहीं की, और तो और तारा, तुमने भी तो भाभी को समझाया है ना? क्या हुआ? पता नहीं भाभी किस जिद पर अड़ी हुई है, वो अपने ही बेटे को नहीं समझ पा रही। अजय ने पागलपन की हर हद पार कर दी, लेकिन फिर भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। खैर, जैसे मैंने कहा, अब ये जिम्मेदारी सिर्फ हमें संभालनी है। दुखों को उसके आसपास भी नहीं भटकने देना है हमें, हमें उसे प्यार देना चाहिए, सहारा देना चाहिए, खुशी देना चाहिए, तभी वो भाभी की नाराजगी को भुलाकर अपनी जिंदगी की ओर एक कदम तो बढ़ाएगा। शायद आप सही करें बुआ जी, मॉम से मदद की आस में हम अजय को नजरअंदाज करते जा रहे हैं। अब जो कुछ भी करना है हम तीनों को ही करना होगा। Thank you.
मैं तो वही बातें फॉलो करता हूं सर जो मुझसे कही जाती। सर उस दिन ऐन मौके पर शौर्य सर ने मुझे वो कोटेशन चेंज करने के लिए कहा था, मैंने तो बस वही किया जैसा उन्होंने कहा। जहां तक मैं जानता हूं सर, वो हर डील फाइनलाइज करने से पहले आपकी राय जरूर लेते थे हमेशा। आई एम सरप्राइज्ड सर, आई एम सरप्राइज्ड कि इस बार मालवानी टेंडर की कोटेशन कोट करने से पहले उन्होंने आपको कंसल्ट करना तो दूर, आपको बताना तक जरूरी नहीं समझा सर। अनामिका जल्दी आओ, खाना ठंडा हो रहा है। अरे शामिदर कैसे हैं आप और कैसा रहा आज का दिन? How was the day in the office? शौर्य, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। Something official. Official? देखो ऐसा है कि शामिद जी प्लीज यहाँ घर पे ऑफिस की बात बिल्कुल नहीं करेंगे आप, समझे? ऑफिस की बात ऑफिस में। क्यों शौर्य जी, मैंने ठीक कहा? ठीक है भाई, अब जैसा तुम चाहती हो। आज विश ओके, अब आप दोनों गर्मा गर्म खाना बैठ के खाइए और मैं आप लोगों को सर्व करती हूँ। अरे भाई ओके थैंक यू। अरे आपने तो कुछ लिया ही नहीं है अभी। अरे मैं ले लूंगा। अरे एक मिनट, क्या हो रहा है? अरे भाभी आ गई, आप लाइए फाइल दीजिए। अरे ठीक है। अरे नहीं भाभी, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूं। नहीं मैं बना लूंगी। अरे नहीं भाभी, चाय बन चुकी है, हम बस आपके आने का इंतजार कर रहे थे। आप बैठिए ना आराम से, बैठिए मैं आती हूँ मेरे साथ। अरे नहीं तारा तू बैठना, मैं लेकर आती हूँ। क्या हुआ, आज ऑफिस में बहुत ज्यादा काम था? नहीं बेटा, बहुत दिनों बाद ऑफिस गई ना तो काफी काम बाकी था, बस उसे निपटाते निपटाते देर हो गई। लीजिए गर्मा गर्म चाय। ठीक है मैं सर्व करती हूँ। ठीक है लीजिए। अपने घर में आके कितना सुकून मिलता है ना। सच कहो, तुम दोनों से अगर दिन भर बात ना हो तो ऐसे लगता है जैसे दिन बोझ बन गया हो। ललिता, मेरी गैर मौजूदगी में तुम्हें घर संभालना पड़ता है, वक्त के साथ साथ तुम्हारी जिम्मेदारियां भी बढ़ गई है ना। नहीं भाभी ऐसी कोई बात नहीं है, हम सब एक परिवार है और हम सब अपने अपने फर्ज निभा रहे हैं बस। मॉम आज घर पे क्या हुआ? अरे बोलो क्या हुआ घर में? मॉम आज अजीब भैया सेम में तारा तारा
ये देखिए, ये आपके लिए। अरे ये मेरे लिए? थैंक यू सो मच। वैसे इस ड्राइंग में है कौन? ये मेरी फैमिली है, ये आप हो, ये पापा है, ये रवि भैया, ये गुड्डो, ये मैं और ये बुआ। ये पेंटिंग बहुत खूबसूरत है, थैंक यू। आई एम सॉरी। मेरी फैमिली। अरे बेटा रोती नहीं, मैं तुम्हारी ये पेंटिंग हमेशा अपने पास रखूंगी। लेकिन ये तो खराब हो गई। अरे नहीं बेटा, ये तो तुमने अपनी फैमिली बनाई थी ना ड्राइंग में, पर तुम्हारी फैमिली तो तुम्हारे साथ है ना? हाँ। और हमेशा इसी तरह साथ रहेगी जिस तरह तुमने ड्राइंग में बनाई है। प्रॉमिस। रोना नहीं। वक्त के साथ वायदे अपने मायने खो देते हैं। आज हमारा परिवार हमारे साथ नहीं। हालात ने सब बदल दिया, सब कुछ बदल दिया। अजय, मैं आज आपसे नाराज हूं भैया। अजय मैं जिंदगी में सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन तेरी नाराजगी नहीं। अपने भैया को माफ कर दे मुझे। भैया मैंने इतना बड़ा गुनाह किया है कि मैं आप सबसे माफी मांगना चाहता हूं। मैं आपको क्या माफी दूंगा? नहीं अजय, मैं वादा करता हूं मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जिससे तेरी तकलीफें बढ़े, तुझे दुख हो। बहुत तंग किया है ना मैंने तुझे, लेकिन अब मेरी तरफ से तुझे कोई परेशानी नहीं होगी अजय। भैया मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आगे से ऐसी कोई हरकत ना करूं जिसकी वजह से आप सबको तकलीफ पहुंचे, लेकिन अब तो मुझे अपने आप पर भी यकीन नहीं रहा भैया, तो मैं आपसे वादा कैसे करूं? नहीं अजय, मैं तो बस तुमसे। भैया मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोना चाहता हूं। ठीक, चल आओ।
मेरा रूठा। आज तेरी जिंदगी में वक्त ने बहुत बड़े दुख लिख दिए हैं मेरे भाई। तेरे इस अकेलेपन का एहसास शायद कोई भी नहीं कर सकता। इस वक्त तू मुझको, तारा को, सभी को अपना दुश्मन मान बैठा है। और दुख तो इस बात का है कि तेरा भरोसा तोड़ने की यह पहल मैंने की है, तेरे इस बड़े भाई ने। मैं ये तो नहीं जानता कि मैं तेरा भरोसा कब हासिल कर पाऊंगा, लेकिन अपने इस भाई को गलत मत समझना अजय, मुझे माफ कर देना।